Hello everyone, welcome to Wikipedia. Myself Ankush Sharma, Senior Faculty of Abhimanyu IAS. Governor General's की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड कॉर्नवॉलिस. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ये इंडिया का गवर्नर जनरल रहता है फ्रॉम 1786 टू 1793. ओके, बट आपको याद रखना है इसमें एक कैच है, इसको सेकेंड टाइम भी गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था 1805 में, बट इसकी डेथ हो गई थी इंडिया आने के बाद, और इसकी डेथ हुई थी गाजीपुर. ये आपको याद रखना है गाजीपुर, और ये प्रेजेंट में गाजीपुर है यूपी में. ओके, तो ये बात करेंगे आज हम इस लेक्चर में लॉर्ड कॉर्नवॉलिस की. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस इंडिया में गवर्नर जनरल अपॉइंट करने से पहले लॉर्ड कॉर्नवॉलिस था अमेरिका में, और ये अमेरिकन फोर्सेस का कमांडर है. ओके, अमेरिकन रेवोल्यूशन जिस टाइम पर चल रहा था वहां पर एक बैटल हुई थी, इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ यॉर्क टाउन. ये बैटल हुई थी 1781 में, और बैटल ऑफ यॉर्क टाउन में कॉर्नवॉलिस ने सरेंडर किया था इन फ्रंट ऑफ अमेरिकन फोर्सेस. इसके बाद ये यहां से अमेरिका से ब्रिटेन आ जाता है, बट ब्रिटेन में इसका डिमोशन नहीं हुआ. ओके, इसको अपॉइंट कर दिया गया था आयरलैंड का प्रीमियर, देन उसके बाद अपॉइंट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ओके, ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट पॉइंट, ये एक बहुत रेप्यूटेड फैमिली से आता है ब्रिटेन में. सेकेंड पॉइंट, ये बंदा बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था. ओके, यस, अभी इंडिया में आता है, और जैसे हमने डिस्कस किया इसका फर्स्ट पीरियड रहता है फ्रॉम 1786 टू 1793. इंडिया में कुछ मेजर रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे. इसके कुछ वर्क हैं इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे, और इसकी वॉर हुई थी मैसूर के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट जब हम कॉर्नवॉलिस का नाम आता है, देन नाम आता है कॉर्नवॉलिस कोड. ये आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्नवॉलिस कोड क्या था? ठीक है, कॉर्नवॉलिस कोड है अबाउट 48 रेगुलेशंस थे, इनको पास किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने. ठीक है, और इनके अंडर में इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एरियाज हैं वहां पर गवर्नमेंट्स में रिफॉर्म्स के लिए इन कोड को पास किया गया था, इन कोड को लाया गया था, इनको हम बोलते हैं कॉर्नवॉलिस कोड. ओके, इसी कोड के अंडर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जुडिशियल पावर को अलग किया गया था, और सेम कोड के अंडर में आपको याद रखना है बंगाल में लाया गया था परमानेंट सेटलमेंट. ओके, देन बात करते हैं कॉर्नवॉलिस के रिफॉर्म्स की. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉर्नवॉलिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स. जुडिशियल रिफॉर्म्स को हम टू पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सिविल केसेस एंड सेकेंड क्रिमिनल केसेस. पहले बात करते हैं सिविल केसेस की. लास्ट जो हमारा टॉपिक था वॉरेन हेस्टिंग्स, हमने डिस्कस किया था उसमें कि वॉरेन हेस्टिंग्स डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत बनाता है, उसके ऊपर वो सदर दीवानी अदालत बनाता है. यहां पर कॉर्नवॉलिस सिविल केसेस के लिए पूरी चेन बनाता है कोर्ट्स की, ये आपको समझनी है. फर्स्ट था मुनसिफ का कोर्ट. ये मुनसिफ का कोर्ट, यहां पर इंडियन जज हैं, और ये कोर्ट 50 रुपीज तक के केसेस को हियर कर सकता है. इसके बाद है रजिस्ट्रार का कोर्ट, और ये कोर्ट हियर कर सकता है 200 रुपीज तक के केसेस को. क्लियर, रजिस्ट्रार के कोर्ट से अपील यहां पर आगे हो सकती है, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ये पूरी चेन बन गई मुंसिफ रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट. आगे अपील कहां होगी? तो आगे अब इसने बनाए कोर्ट, इसको हम बोलते हैं 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स. अब यहां पर कैच क्या है आपको याद रखना है, ये 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स कहां कहां थे वो प्लेसेस आपको पता होने चाहिए. ये थे पटना, सेकंड मुर्शिदाबाद, नेक्स्ट ढाका, एंड नेक्स्ट था कैलकटा. तो ये 4 प्रोविंशियल कोर्ट हैं. अब इनसे आगे अपील कहां हो सकती है? तो आगे अपील होगी अब सदर
दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत है कलकत्ता में और इसको प्रेसाइड करता है गवर्नर जनरल। ओके, नेक्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, 1000 रुपीज से जो भी केसेस होंगे ऊपर के उनको आप लेकर जाएंगे सदर दीवानी अदालत में, इसको प्रेसाइड कौन करेगा, गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के साथ। अगर इससे भी बड़ा कोई केस है तो वो जाएगा किंग के पास और ये किंग इसको हियर करेगा ब्रिटेन में, सर्टेन केसेस को किंग हियर करता था। ओके, अब सिविल केसेस में हमने पहले भी डिस्कस किया था लॉ कौन से अप्लाई होंगे, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ, हिंदूस के लिए हिंदू लॉ। क्लियर। नेक्स्ट क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं, क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस में फर्स्ट आपको याद रखना है फर्स्ट अदालत थी दरोगा की अदालत, इसको बोलते हैं अदालत दरोगा। ओके, दरोगा की अदालत इसको बोलते हैं, ये थी तहसील में। नेक्स्ट यहां से अपील हो सकती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, बट यहां पर एक कैच है आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने डिस्ट्रिक्ट में फौजदारी अदालत एस्टेब्लिश की थी, ये डिस्ट्रिक्ट जज जो है फौजदारी अदालत का हेड नहीं है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉर्नवॉलिस ने जो डिस्ट्रिक्ट में फौजदारी अदालत थी उनको अबोलिश कर दिया था और ये पावर उसने डिस्ट्रिक्ट जज को दी थी, ये डिस्ट्रिक्ट जज दीवानी अदालत का भी हेड है। ओके, तो यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट जज हियर कर सकता है और सर्टन केसेस में ये सजा भी दे सकता है। नेक्स्ट, इससे ऊपर जो अपील होगी वो कहां होगी, तो ये आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्नवॉलिस बनाता है कुछ सर्किट कोर्ट्स। ये सर्किट कोर्ट्स कहां थे, सेम प्लेसेस जहां पर प्रोविंशियल कोर्ट थे। ये सर्किट कोर्ट है पटना, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता एंड ढाका। ओके, सर्किट कोर्ट्स को ये भी बोला गया था कि आपको एवरी ईयर आप दो बार अपने एरिया में जाएंगे और वहां जाकर आप देखेंगे क्या केसेस हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इससे ऊपर अपील हो सकती है, इसको हम बोलते हैं सदर निजामत अदालत, सदर निजामत अदालत जो है, अगर किसी बंदे को फांसी दी गई है और सर्किट कोर्ट ने फांसी दी है तो उसको सदर निजामत अदालत वेरीफाई करेगी, देन फांसी हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो क्रिमिनल कोर्ट थे क्रिमिनल केसेस में जो इन्वॉल्व हैं, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, देन यहां पर लॉ अप्लाई हो रहा है मोहम्मडन लॉ, बट कॉर्नवॉलिस कुछ चेंजेस लाता है। मोहम्मडन लॉ में ही देखा जाता था कि बंदे को कैसे मारा गया, फॉर एग्जाम्पल उसको चाकू से मारा गया, छत से फेंक दिया गया, आग में जला दिया गया, तो ये चीजें देखी जाएंगी। कॉर्नवॉलिस ने बोला, कोर्ट को ऑर्डर दिया था कि अब आप ये देखेंगे कि बंदे की इंटेंशन क्या है, क्यों मारा था, एक्सीडेंटली मर गया या पूरी इंटेंशन के साथ प्लानिंग के साथ मारा गया था, तो ये चीजें अब चेंज हुई थी। सेकंड, मोहम्मडन लॉ में नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम्स के अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते, ये भी चेंज लाया गया था कि नॉन मुस्लिम्स भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट गवाही दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो चेंज लेकर आया था कॉर्नवॉलिस वो ये था कि ब्लड मनी देकर आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, ये चेंजेस लाए थे क्रिमिनल कोर्ट में कॉर्नवॉलिस। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि कॉर्नवॉलिस कोर्ट के अंडर में सेपरेट किया गया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल पावर से। ओके, तो यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्नवॉलिस के जो रिफॉर्म लेकर आता है गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रॉब्लम ये चल रही थी कि जो ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट ऑफिसर थे ये करप्शन में लगे हुए थे, गिफ्ट लेते थे, ब्राइब लेते थे। कॉर्नवॉलिस अब इस पर जो है पूरा वर्क करता है, देन इसने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, तो सैलरी को बढ़ा दिया जाता है, बट साथ में बोल दिया गया ऑफिसर्स को आप ब्राइब नहीं लेंगे, कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, ठीक है, और प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया से जो बंदा ऑफिसर इंडिया को छोड़कर ब्रिटेन जाएगा
तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो ऑफिसर्स को बोल दिया था आप इंडिया छोड़ने से पहले बताएंगे कि प्रॉपर्टी कितनी है, उसके बाद आप इंडिया छोड़ सकते हैं। तो ये चेंज लाया था, ये बंदा खुद ऑनेस्ट था और इसको इस चेंज लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं। तो ये वर्क करता है यूरोपियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। कॉर्नवालिस ऑनेस्ट था नो डाउट, बट रेशियलिज्म बहुत ज्यादा थी इस बंदे में। इंडियंस को एक करप्ट मानता है और दैट्स वाई जो उस टाइम पर कोवेनेंटेड सर्विसेज होती थी उनसे इंडियंस को हटा दिया गया कि अब आप यहां पर नहीं आ सकते। हाईएस्ट पोस्ट जो इंडियन अटेन कर सकता था वो थी मिलिट्री सर्विसेज में, वेरी इंपॉर्टेंट, सूबेदार की, एंड सिविल सर्विसेज में थी सदर अमीन। तो अब इंडियन है तो वो केवल ये हाईएस्ट पोस्ट है सूबेदार मिलिट्री सर्विस में एंड सिविल सर्विस में सदर अमीन, जो एक टैक्स कलेक्टर की जॉब होती थी। तो आप देख सकते हैं कि रेशियलिज्म है इस बंदे में, ठीक है, ये चेंजेस ला रहा है गवर्नमेंट सर्विस में बट इंडियंस के लिए नहीं है वो चेंजेस, ये चेंजेस मेन किसके लिए है, यूरोपियंस के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्नवालिस के रेवेन्यू रिफॉर्म्स की और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, और इसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट 1793 आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर कंपनी को रेवेन्यू राइट मिले थे। बैटल ऑफ बक्सर आपको पता ही, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई है 1764 में। इसके बाद कंपनी को रेवेन्यू राइट मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंडर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। बट ये रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होगा, तो प्रॉब्लम यहां पर आ रही थी, क्या घर घर जाकर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, जमींदार को ओनरशिप दी जाएगी, बिकॉज अभी तक जब तक कॉर्नवालिस इंडिया में आया है कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स ये परेशान रहे थे और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाए थे। जब कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा गया तो उसको टास्क दिया गया था कि आप इंडिया में जाकर इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन देना कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए। देन ये इंडिया में आता है और इसका सॉल्यूशन देता है, परमानेंट सेटलमेंट ही इंडिया में हमें देता है। ओके, क्या था ये परमानेंट सेटलमेंट? फर्स्ट आपको याद रखना है लैंड की ओनरशिप, ठीक है, तो यहां पर लैंड की ओनरशिप तो दी गई जमींदार को दी गई। अब जमींदार अपने एरिया से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद ये दे देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, जमीन किसकी हो जाएगी? जमींदार की। देन अब जमींदार के अंडर में जो हमारे पीजेंट्स हैं जो पहले से कल्टीवेशन कर रहे हैं वो बन जाएंगे टेनेंट, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है जैसे टेनेंट होता है तो टेनेंट अपने मकान मालिक को क्या देता है, इस टाइप से समझिए, तो टेनेंट अपने मकान मालिक को देता है रेंट। सेम टाइप से क्या होगा कि जमींदार को अब रेंट मिलेगा और रेंट कौन देगा? पीजेंट्स। ओके, ये जमींदार आगे लैंड रेवेन्यू किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। और हेरिडिटरी राइट या ओनरशिप राइट इस लैंड पर किसको मिल गए? जमींदार को। मतलब इस जमींदार के बाद इसका बेटा यहां पर इस जमीन को ओन करेगा, उसके बाद उसका बेटा ओन करेगा, जब तक ये टाइम से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहा है। इसमें इस सेटलमेंट में जो रेवेन्यू था, मतलब जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो यहां पर 1793 में इसको फिक्स कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि अब ये चेंज नहीं हो सकता, एवरी ईयर सेम लैंड रेवेन्यू जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। एक्चुअली में क्या सोचा गया था, तो देखिए इनका आइडिया थोड़ा अच्छा था। आइडिया ये था कि बिकॉज ये लैंड रेवेन्यू फिक्स कर देंगे तो जमींदार जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए वर्क करेगा, वो लैंड में फर्टिलाइजर्स को, मशीनरी को यूज करेगा, इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जमींदार को भी फायदा होगा और टेनेंट को भी फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट सोचा गया था ये जमींदार होंगे ये लॉयल हो जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एवरी ईयर उसे पहले से पता होगा कि कितना लैंड रेवेन्यू उसके पास आने वाला है तो बजट बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ऑफिसर्स को डाइवर्ट नहीं करना पड़ेगा इस टास्क के लिए कि जाइए और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क था। तो ये सारी चीजें सोची गई थी, कुछ पॉजिटिव थी कुछ नेगेटिव भी थी, ठीक है। बट हुआ ये
कि जमींदार जो थे उन्होंने बिड यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो जमींदार नहीं थे, जो मनी लेंडर वगैरह थे, और दूसरे एरिया में जाकर लैंड को खरीद लेते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं। अब ये बंदे क्या करते हैं कि ये चले जाते हैं अर्बन एरिया में और आगे इन्होंने अपने एजेंट्स को अपॉइंट कर दिया। तो जमींदार अपने एजेंट को अपॉइंट करते हैं और ये एजेंट्स जाते हैं और ये पीजेंट से पैसा या रेंट वसूल करते हैं। तो एजेंट किससे ले रहे हैं? पीजेंट से। और ये एजेंट किसको दे रहे हैं? जमींदार को। और जमींदार किसको दे रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर। तो जमींदार जो थे ये अब विलेजेस में नहीं रह रहे हैं अब, ठीक है, जहां पर इनकी लैंड है ये अर्बन एरिया में रह रहे हैं। तो इनको हम बोलते हैं ये एब्सेंट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म। क्लियर। अब देखिए एजेंट भी परेशान कर रहा है पीजेंट को, उसके बाद जमींदार भी एजेंट को परेशान कर रहा है। तो ये दोनों बंदे मिलकर पीजेंट को परेशान कर रहे हैं और आगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा दे रहे हैं। पैसा कितना देना होता था? तो जो भी फिक्स किया गया था अमाउंट, इसका 10/11 जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो लैंड रेवेन्यू एवरी ईयर, ओके, और 1/11 ये जाएगा जमींदार के पास। ठीक है, एजेंट को जमींदार आगे वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर 10/11 जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उसका 10/11 ईस्ट इंडिया कंपनी और 1/11 जमींदार के पास। अब कितना कलेक्ट किया जाएगा? तो इसका बेस बनाया गया था 1791 में जो कलेक्शन हुआ था उसको बेस बनाया गया था। ठीक है, जो क्लियर, जो आपका 1791 में एक्चुअल कलेक्शन होता है उसको बेस बनाया गया था। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। तो आपका लगना है इसमें रेवेन्यू, ठीक है, जमींदार यहाँ पे जो है कलेक्ट करेगा उसको परमानेंट कर दिया गया, जमींदार को ओनरशिप राइट दिए गए, पीजेंट बन गया टेनेंट। क्लियर। तो ये था रेवेन्यू सेटलमेंट, इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्नवॉलिस के एंग्लो मैसूर वॉर। कॉर्नवॉलिस की एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1792। यह है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में मराठा निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एक अलायंस बनाते हैं और अलायंस बनाने के बाद ये अटैक करते हैं मैसूर के ऊपर। टीपू सुल्तान इस टाइम पर मैसूर का रूलर है। ठीक है, टीपू सुल्तान जब उसको लगता है कि वो नहीं जीत पाएगा और वो वॉर भी कंटिन्यू नहीं कर सकता है, जब वो ट्रीटी की बात करता है, तो इसके बाद एक ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। और इस ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के अंडर में टीपू सुल्तान को अबाउट 50% टेरिटरीज देनी पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ी और अबाउट 3 करोड़ रुपीज टीपू सुल्तान देता है एज वॉर इंडेमनिटी। ठीक है, तो ये चेंजेस थे जो कॉर्नवॉलिस इंडिया में कर जाता है। ठीक है, एक बेस इसने बना दिया था रिफॉर्म्स के लिए कॉर्नवॉलिस कोड के अंडर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कॉर्नवॉलिस जो हमने टॉपिक किया इसके कुछ क्वेश्चंस को। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्नवॉलिस। ही ट्राइड टू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन एंड पावर टू इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ही एस्टैब्लिश्ड सर्किट कोर्ट इन पटना, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता एंड मिदनापुर। ओके, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट देखिए, उसने क्या मोर पावर दिए इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विस में? नहीं दिए, पावर को कम कर दिया था, ये गलत हो गया। सेकंड देखिए, ही एस्टैब्लिश्ड सर्किट कोर्ट इन पटना, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता एंड मिदनापुर। नो, मिदनापुर नहीं था, पटना, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता एंड ढाका थे। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत रहेंगे। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, व्हेन कॉर्नवॉलिस इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, ही वॉज अंडर द इंप्रेशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिक्योर्ड ए फिक्स्ड एंड स्टेबल इनकम फॉर स्टेट एंड स्टेट कुड डिपेंड ऑन दैट इनकम मॉनसून एंड नो मॉनसून। यस, ये करेक्ट है। It was claimed that permanent settlement would encourage agriculture enterprises and prosperity. Wasteland would be reclaimed and soil under cultivation would be improved. Yes, ये भी सोचा गया था कि जो जमींदार हैं
वो ज्यादा से ज्यादा लैंड को कल्टीवेबल लैंड बनाएंगे, उसमें फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, मशीनरी को यूज करेंगे, सोचा गया था, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। इट वुड क्रिएट ए लॉयल क्लास ऑफ मिडिलमैन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जमींदार्स। तो एजेंट्स की बात कर रहा है, एजेंट्स के बारे में नहीं सोचा गया था, केवल ये सोचा गया था कि जमींदार जो होंगे वो लॉयल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट उसके बाद देखिए, जमींदार वुड इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन लाइक बेटर रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, यूज ऑफ मैन्योर एटसेट्रा। यस, ये करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसमें, 1, 2 and 4 ओनली। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं, ओके। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।